अब शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो प्लीज। पता होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि सो एस का प्रयोग करते रहो जब टू प्लस वन है, और अगर यहाँ पर क्रॉस आ रहा है क्या रहा है बेटा क्रॉस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस बोलेंगे पूरे को, और क्रॉस का प्रयोग हो तो सो दैट आएगा। फिर मैंने बोला कि इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, तरीका ये रहा। अब समस्या हो गई कि यहाँ पे गएगा, यहाँ पे या तो गेट आएगा या गेट्स आएगा, तो मैंने बोला गेट आएगा। रीजन भी भैया बताना पड़ेगा दोनों लोगों को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इनके साथ में हमेशा ऐसा ही इसका प्रयोग होता है। बोलो हाँ। तो बेटा इसको समझने के लिए आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि वास्तव में ग्रामर में कोई नियम कानून नहीं है, ग्रामर में कोई नियम कानून नहीं है। जिस रीत से हमारे देश में हम लोगों को कुछ अधिकारों से वंचित रखा अभी तक, ऐसे ही बेटा हमारे टीचर्स ने ग्रामर में भी कुछ चीजों से वंचित रखा, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। होता क्या है कि स्पीकर का इंटेंशन देखा जाता है ग्रामर में। मान लो वो स्पीकर कैसे बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है तो बेटा वो दूसरे सेंस में लिखा जाएगा, कुछ और तरीके से बोल रहा है तो वो दूसरे अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो तरीके होते हैं दो, एक तो होता है फैक्ट, क्या होता है बेटा, और दूसरा होता है कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट। बस यही से ग्रामर में प्रॉब्लम आ जाती है। हमें पढ़ाया गया फैक्ट, फैक्ट में क्या होता है कि फैक्ट में जो हमने अब तक ग्रामर पढ़ी है कि पहले वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला किसमें जाएगा, प्रेजेंट में, पहले वाला पास्ट में, दूसरा वाला किसमें जाएगा, पास्ट में। हाँ यार, यस, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसमें ऐसे ही इसका प्रयोग होगा। ये केवल फैक्ट में बेटा वैलिड है, लेकिन ये चीजें कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट में, फैक्ट के विपरीत में इनवैलिड हो जाती है। बोलो हाँ, एक बार और बोलो हाँ, समझ आया, एक बार और, भारत माता की जय। शाबाश बेटा। अब जैसे मैंने बोला ही, ही, और नहीं ही,